माननीय विठ्ठलराव पटवर्धन उत्कर्ष आश्रम शाळा वाघेरा द्वारा प्रस्तुत है हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरी इकाई की बेटियू यह कविता। बेटियू इस कविता का आपको मैं परिचय देने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। आओ बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बच्चों, इसका सरल अर्थ है, देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। कवि आनंद जी आगे कहते हैं, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बच्चों, इसका अर्थ है, इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। बच्चों, अब आगे की कविता पढ़ते हैं। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका अर्थ है, जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियां प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। आगे कविता पढ़ते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। कविता आगे पढ़ते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, इन पंक्तियों का कवि अर्थ बताते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथ में पुस्तक होंगी, ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। कवि आनंद जी आगे बताते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों का अर्थ है, बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ
प्यारी लगती है।